मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, बस मुझे बचा लो। देखो भैया, देखो देखो ये क्या किया है, देखो यहाँ देखो। मेरे खुद के पति ने ये बोला कि पैसा नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें इसके साथ जो करना है कर लो। छोटा सा बच्चा है जो ये सब देखता है। वो फोन पे फोन कर रहा है अपनी बीवी को, भेज बीवी को भेज, तू जा के नहीं रही उसके पास। इसीलिए लाए थे तुम नेपाल से मुझे? सुन बच्चे को कहाँ छोड़ के आई, तू ये बता। एक लड़की है जो कि बहुत दिनों से फोन कर रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पहले कॉन्टेक्ट किया था, उसके बाद से मतलब मैंने नंबर दिया तो उस पर कॉल पे बात हुई थी। उसने बताया था भैया दिल्ली में मैं अपने पति के साथ मोमोज वोमोज का ठेले पे काम करती थी, ठीक है। और वो पति और वो मिलके ही दोनों मोमोज वोमोज की फिंगर उंगर की ठेली पे दिल्ली में ही लगाते थे। अब उनके साथ मतलब उस लड़की के नेपाल से लेके आया था और उस लड़की के साथ इतना गलत हुआ ना कि आप सोच के हैरान हो जाओगे मेरे भाई। बाकी एक बार उसका फ़ोन आ गया, ठीक है, मैं देखता हूँ कहाँ पे रह गई, एक बार कॉल करता हूँ, ठीक है। आप वीडियो में बने रहना, लड़की को इतना मारा पीटा है कल रात में इतना मारा पीटा है और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए हैं कितनी बार, ठीक है। और जो भी कल हुआ है एक बार खुद ही सुन लो क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। एक लड़की आने वाली है, थोड़ी देर में बता रही है आपको। आ जाओ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या, देखो क्या, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, बस मुझे बचा लो। खड़े तो जाओ, पैर छोड़ो यार, क्या कर रहे हो आप? बैठो यहाँ पे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, यहाँ बैठ जाओ। क्या बात हुई है? मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत परेशानी में कि मेरे को कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मैं नेपाल से हूँ, मैं यहाँ से हूँ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बात क्या है, पूरी बात बताओ एक बार। देखो भैया, देखो देखो ये क्या किया है, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो आप, ये निशान कैसे है तो पर हल्का हल्का। देखो ना आप, देखो ये देखो देखो, देखो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसको रखो, इसको रखो। मैं ये सब सहते सहते, बात क्या हुई है ये तो बताओ, हाथ पे भी लगा हुआ है आपके। मैं ये सब सहते सहते थक गई, मुझसे आप बर्दाश्त। पूरी बात क्या हुई है, पूरी बात बताओ एक बार, पूरी बात बताओ। वो जानवरों की तरह ऐसे ऐसे सलूक कर रहा है मेरे साथ, और मेरा छोटा सा बच्चा है, बताओ वो ये सब रोज देखता है, वो क्या सीखेगा, क्या असर पड़ेगा। पूरी बात कैसे हुई थी एक बार, पूरी बात बताओ कि कैसे उस लड़के से तुम मिली थी, कैसे क्या हुआ था। बात यह है कि मैं नेपाल की हूँ। पूरी ना वीडियो लाइव चल रही है, पूरी वीडियो लाइव चल रही है, पूरी लाइव बताओ। मैं नेपाल की हूँ और जो मेरे पति है वो गए थे वहाँ पे घूमने, तो वो होटल में रुके थे, और जो होटल है ना वो हमारे घर के सामने ही है। अच्छा, तो क्या था ना कि बस मतलब उस टाइम तो वो देखा था कि जो भी था वो सब हुआ, और मुझे उनसे प्यार हो गया। अच्छा। उनको भी हो गया, उन्होंने मेरे को बोला, और मुझे पता था घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने भाग के शादी कर ली। अच्छा। भाग के शादी करने के बाद वो मुझे दिल्ली ले आए। दिल्ली लाने के बाद फिर उनके पास उतना कोई काम वाम नहीं था, तो उन्होंने किसी से पैसे लिए, उसके बाद मोमोज फ्रेंच वगैरह इसकी ठेली लगाने लगे वो। मैं भी उनकी हेल्प करती थी। आप भी ठेले पे खड़े होकर बेचती थी? मैं भी सब करती थी। और उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज होता गया, वो दारू पीने लगे, कर्जा वगैरह दे नहीं पा रहे थे वो। तो जिससे उन्होंने कर्जा लिया था उस इंसान, वो अभी एक महीने से यही कर रहा है मेरे साथ, और ये अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो जानवरों की तरह मुझे। तो वो पैसे की वजह से आपके साथ ऐसा कर रहा है? वो उन पैसा नहीं दे पाए, उसने उनको दारू पिलाई, और फिर मेरे खुद के पति ने ये बोला कि पैसा नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें इसके साथ जो करना है कर लो। और उसने भी आपके पति ने ये बोला कि पैसे नहीं है अभी, जो तुझे इसके साथ करना है कर ले, कर लो। और उसके बाद उसने ये बोला ठीक है, ये भी बहुत सही लग रही है मुझे, और मैं इसके साथ कर लेता हूँ, मुझे पैसा वैसा नहीं तो चाहिए। एक महीने से डेली लड़का आपके साथ गलत काम करता है? एक महीने से वो रोज यही काम कर रहा है, और रोज मैं थक गई हूँ, ये सब सहते सहते मारता है, इस तरह से बुरा हाल कर रखा है एकदम। क्या मतलब मुझसे झेला नहीं जा रहा, और मेरा छोटा सा बच्चा है जो ये सब देखता है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये नेपाल से आई हैं, ठीक है, भाग के शादी की थी, और जो वो लड़का नेपाल घूमने गया था तो होटल के जस्ट सामने इनका घर था, तो इनकी नैन मटक्का हुई थी वहीं पे। आज से कितने साल पुरानी की बात है ये? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए इस बात को। तो वहाँ पे नैन मटक्का हुआ था, वहाँ से ये लोग भाग के शादी किए थे। लड़का आपसे फोन वोन पे बात वात करता था, 2-3 बार मिलने भी गया था नेपाली। हाँ, फिर आप दूसरे तीसरी बार भागे थे? वो मिलने आता था, वो पहले जब प्यार हो गया था हमें तो वो बीच में आ गया था यहाँ। अच्छा। आना जाना उनका लगा रहता था वहाँ पे नैनीताल, वहाँ पे नेपाल। तो जो होटल था ना उसी में वो रुकते थे, तो हमारा वहीं पे मिलना जुलना हुआ, काफी टाइम हुआ, काफी बार मैं उनसे वहाँ मिली। उसके बाद तीसरे ना चौथे बार जब वो गए तो हमने शादी कर ली। अच्छा, मतलब भागने का डिसीजन चौथी बार लिए थे? वो बोलने लगे अब मैं नहीं आऊंगा, अब हमें एक फाइनल डिसीजन। आपका बच्चा कितने मंथ का है? वो अभी छोटा ही है। छोटा ही है,
गाइस आप लोग देख सकते हो मतलब इस बंदे के साथ मतलब इतना बुरा हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कि यार मतलब कैसे कोई ऐसा कर सकता है यार, समझ नहीं आ रहा है। और वो इतना छोटा बच्चा है मेरा, 13 महीने का बच्चा है, वो रोता है और वो आदमी मेरे संग गलत काम करता रहता है, और मेरे खुद के पति उस ना तो उस बच्चे को संभालते और ना तो उस आदमी को कुछ कहते कि अच्छा एक काम करो, अगर उसको फोन करके यहाँ पे बुलाना बुला सकती हो यहाँ पे उस आदमी को? हाँ वो नहीं आएगा। एक बार फोन करके एक बार बुला तो सकते हो, एक बार फोन करके पूछो कि यहाँ पे आ सकते हो, कुछ बात करनी थी, अपने पति को यहाँ पे बुला लो आप, एक बार फोन लगाओ, चलो फोन लगाओ, फोन उठाओ, एक बार उसे फोन करके बुलाओ, ठीक है? बहुत गंदी तरीके से मारा, ये देखो निशान, ये हाथों पे निशान देखो, ये गर्दन पे निशान देखो, ये यहाँ पे मतलब इतना यहाँ पे इस लड़की को, जब ये देखो ये यहाँ पे, ये कोई इतना जानवरों की तरह व्यवहार कौन करता है? आप लोग खुद देख सकते हो, कोई ना मैडम एक बार ना उसे फ़ोन लगा के यहाँ पे बुलाओ, अगर आ गया ना, मैं सच में कह रहा हूँ, फिर आप देखना उसके साथ क्या हो रहा है, फ़ोन लगाओ। स्पीकर पे करो। हेलो हाँ बोल। मैं कह रही थी ना मुझे थोड़ा काम है, बाहर आ जाओगे थोड़ा सा यहाँ मिलने के लिए? मैं कहीं नहीं आ रहा, मैंने बी रखी है बेरा अपने दोस्त के साथ। तू ये बता तू कहाँ है? मैं घूम कहीं भी, लेकिन तुम 24 घंटा क्या ये पीने का ड्रामा क्या चल लगा रखा है? करूँ क्या मैं, करूँ क्या, तुमने इतने सर पे कर्ज चढ़ा रखा है मैंने। अरे तुम कमा के नहीं चुका सकते, तुम मेरे साथ कितना गंदा काम करवा रहे, तुम्हें शर्म नहीं है थोड़ी सी भी? क्या काम करूं तेरे चक्कर में, तेरे कहने में मैंने मोमोज की ठेली लगाई, हर चीज लगाई कर्जे पे लेके, अब मुझे कहता था मेरा बिजनेस लॉस में जाएगा। तो तुमको प्यार करने के लिए किसने बोला था जब तुमको अपनी बीवी बेच के ही खानी थी? तो तू जाना बेच ना अपने आप को, पैसा कमा के दे मुझे ब्याज, देख ब्याज वाले घर पे डेली आ रहे हैं, वो फोन पे फोन कर रहा है अपनी बीवी को बेच, बीवी को बेच, तू जा के नहीं रही उसके पास? मैं नहीं जाऊंगी उसके पास, मैं थक गई हूं। जाना पड़ेगा, सुन तुझे जाना पड़ेगा, जा तू थक जा, जो मेरी कर, और तू वहां पे जाके नखड़े क्या करती है, जितने बंदे भी करते थे गलत क्या कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं, बच्चा है छोटा सा हमारा, उस पे क्या असर होगा ये सब? उसके बच्चे पे कुछ असर नहीं पड़ रहा, तू बता रही है क्या अपने बच्चे को? तो उससे तो दूर रहना पड़ रहा है ना मुझे, कर रहे हैं पता क्या होगा, मेरे से फोन पे बोल रहे हैं तेरी बीवी, यार समझ में नहीं आ रहा क्या, तेरे पास पैसे नहीं दे रहे क्या, तुझे पता ना हमारा कर्जा माफ हो रहा है, जितनी बार तू उसके पास जा रही है। तुम कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो मेरे से, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं है मतलब? तो क्या तेरे से प्यार से बात करूं क्या, तूने जिंदगी पता बेकार करती मेरी, जब से तेरे को भगा के लेके आओ ना बदतर हालत होगी मेरी। मेरी हो गई है, मैं अपने आप सब कुछ चुका रही हूँ, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है कि हाँ पति किस लिए होता है? तुझे कहा जब जब बोलूँ तब तक तुझे पड़ेगा अपने आप को, उस बिक के पता कर्जा उतर रहा है हमारा, आई बात समझ में? कर्जा उतार है तो काम भी तो कर सकते, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर नहीं दिए हैं क्या? बैठे हुए हैं 10 बंदे बिठा लो, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं है? तुम नेपाल से मुझे इसलिए लाए थे? तुझे जाना पड़ेगा नेपाल से, तुम किस लिए लाए थे? इसलिए लाए थे अपने बीवी को, इसीलिए लाया था मैं तेरे को, और बोलो और कुछ सुनना है, और कुछ बोलूं? और सुन मेरी बात, जब कर्जा उतर जाएगा ना, जब मैं तुझे तेरे से पता और भी लड़के ले आऊंगा, उनके साथ फिर बैठ के ना दोनों मिलके काम करवाएंगे उनसे, तू भी कर दिया करो, हमें उल्टा पैसे मिला करेंगे हमें उनों से। तुमने मुझे तो लग रहा है इससे पहले 10 और कर रखे होंगे, ठीक है? अरे तू पहली है मेरी बात, मैं तेरे से क्या बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ा बिजनेस है बेटे, पैसा मिलेगा मोटा मोटा हमें इस चीज का, सोच अमीर बन जाएंगे 1 महीने में। हेलो हाँ भाई, कौन, क्या बात है भाई, क्या हो गया, कौन, कहाँ कहाँ हो अभी? मैं भाई जहाँ मर्जी हूँ, कौन बोल रहा है ये तो बता, अभी हो कहाँ पे तुम? अरे मैं जहाँ मर्जी हूँ, तू कौन बोल रहा है? इसके साथ की ये क्या पैसे दिए थे तेरे को जाने के साथ में? तेरे को शर्म नहीं आ रही अपनी बीवी के लिए जिसके तेरे एक बच्चा है, हैं? इस तरह की बातें करते हो, तुझे शर्म नहीं आ रही? किस तरीके की? अरे चंद पैसों के लिए तूने अपनी बीवी को बेच दिया। क्या बेच दिया मैंने, क्या करूं इसकी वजह, पता कितना कर्ज होगा, तू बता तू है कौन, पैसे में लेके गया है क्या इसको? नहीं एक बात बता, चंद पैसों के लिए तूने अपनी बीवी को ही बेच दिया, उसके शरीर पे इतना मतलब गहरा निशान है, हैं? तो क्या करूं, होएंगे नहीं क्या, आने बोलते छोटा बच्चा है, उसको तू अपने दोस्त के लिए, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आई? क्या फायदा फिर तेरे जिंदा होने का है जब तू अपने बीवी बच्चों को पैदा होकर खिला भी नहीं सकता? मैं तुझे पूरी स्टोरी बताता हूँ, इसे मैं बना के लेके आया, इसने बोला मुझे मोमोज की ठेली खोलनी है, गाली मत दे मेरे भाई, गाली मत दे,
क्यों ना दूं इसे, ये जा कि मेरी फोन पे फोन कर रहे हैं। तू लेके क्या हुआ है इसको, पैसे दिए तूने साथ में जाने के इसको? भाई कितने रुपए दिए इसने? भाई मेरे सुन, मेरी बात सुन, एक बात बता। अरे पहले बात करवा, नाइट की ले गई है डे की ले गई है इसके साथ, ये बता पहले। सब कोई अपने तरह लगा रहा है क्या है? ऐसे तो कोई जाए लेके नहीं जाएगा। लड़की बेहोश पड़ के गिरी पड़ी थी यहाँ पे मार्केट में। कौन सी मार्केट में है ये? ये मार्केट में आई थी सामान खरीदने और यहाँ पे बेहोश पड़ के गिरी पड़ी थी। अरे मुझे सब पता है। ठीक है तो इसको ना थाने में ले जाकर बैठा रहा हूँ, सारी बात बताएगी पुलिस वाले को। अब मेरी बात सुन, इससे बात करा, मेरी बात सुन। हाँ उसके साथ गई है ना? हाँ तो जल्दी आइयो, ये भी तेरे कस्टमर और भी कस्टमर इंतजार कर। सुन 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 सुन, पुलिस वाले को मैं लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है? तू है कौन, कौन क्यों बकवास कर रहा, तू है कौन ये बता। अभी पता चल जाएगा तुझे क्या बात है क्या नहीं है, ठीक है? इसको लेके जा रहा हूँ पुलिस थाने में। मेरी बात तो करवा। जब ये जाके सारी बात बोलेगी ना तुझे खुद समझ में आ जाएगा। मेरी बात तो करवा मेरे भाई। करना बात करने से तुमको बिल्कुल शर्म नहीं है? मेरी बात सुन, ये है कौन ये बता। ये कोई भी हो मेरी मदद करने के लिए आया, बस इतना समझो, ठीक है ना? तुम जैसे गंदे हो ना खुद, और जैसे तुम्हारे दोस्त वो गंदे। मेरी बात सुन, तू मत जा, मैं तुझे नहीं भेज रहा उसके पास, ठीक है? आज आज मत जा, चल तेरी तबीयत खराब है, चल तुझे कभी घुमा के लेके आता हूँ, तू घर पे आ। नहीं मैं पुलिस के पास जा रही हूँ अभी। तुमको बहुत शौक, नहीं बहुत शौक है ना तुमको, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ घुमा के लेके आऊँगा। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, अपना बच्चा लूंगी और अब मैं वापस चली जाऊंगी जहाँ से आई हूँ, ठीक है? लेकिन तुमको सुन सुन, अगर मैं आ गया फिर तो जबरदस्ती होगी वहाँ पे पार्क के अंदर, 10 दोनों फिर 10 क्या? सुन ले मेरे भाई, सुन ले, ये जो तू बोला है, जितनी बातें बोला है सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ है। सब लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी, एक एक बातें तेरी, ठीक है? और तेरा एड्रेस निकाल के तेरे पास ही आ रहे हैं अब, ठीक है? तू सुन, एक लड़की को नेपाल से लाके तू ये सब काम उससे करवा रहा था, हैं? कुछ चंद पैसों के लिए तूने, उसके शरीर पे इतने निशान हैं, ये बेचारी मरने के हालत में हो गई है, इससे चला नहीं जा रहा, बेहोशी की हालत में है। तो भाई इसका इलाज करवा तो, और इसके बाद से तू इतने गंदे काम करवाता है, इससे इतना गंदा बोलता है तू इसके बारे में, तो क्या इसकी क्या पूजा करूं मैं? वो तो तुझे पता चल जाएगा बेटा, जब तेरी पूजा होगी तो, ठीक है? मेरी बात सुन, तू बोल कौन रहा है ये बता। तुझे पता चल जाएगा मैं कौन बोल रहा हूँ तब ना, तुझे जब पता चलेगा ना फिर तुझे मैं क्या ही बोलूँ। चल छोड़ हटा, तेरे ना 10-15 मिनट में तेरे पास थाने से ही कॉल जा रहा है, ठीक है? फिर तेरे देख साथ देख क्या होता है। सुनो अपने काम करो, अपने बच्चे को बुलाओ, ठीक है? अपने माँ बाप को बुलाओ और थाने में चलो अभी मेरे साथ, ठीक है? इस बंदे को मैं देखना चाहता हूँ, ये जो बंदा इस तरह बोल रहा है कौन? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। फोन काटो इसका, फोन काटो। बच्चा मेरे पास, अगर तूने फोन काटो ना यार, इतना गंदा इंसान है यार, आप लोग देख सकते हो, ये वीडियो देख रहे हो गाइस, आप लोग वीडियो देख रहे हो, इससे ना गंदा इंसान है। आपने लाइव रिकॉर्डिंग सुना आप लोगों ने, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो मेरे भाई, कि आज के बाद से किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकतें ना हो, ठीक है? इसने क्या गलत कर दिया? किसी से प्यार करना गलत है? अगर प्यार करके यहाँ पे आई है, दिल्ली में रह रही है, तो अपने पति के साथ उसका हाथ बढ़ा रही थी, मोमोज के ठेली पे काम करती थी पूरे दिन दिन रात रात भर, और वो बंदा आज पैसे कम होने की वजह से इसी को बेच दिया, खुद जाके कहीं बियर पी रहा, फिर बियर पीने के बाद आके इसको मारेगा, ये हरकतें कर रहा है इसके साथ, ये देखो ये, और अंदर पता ना कहाँ कहाँ निशान है इसके। मैं क्या बोलूँ, क्या दिखाऊँ आप लोग, खुद क्या बोलूँ आपको। सुनो आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो, ठीक है? आप मेरे साथ चलो और इसको ना पूरी कंप्लेन करेंगे, इसको एक एक चीज़ें बताएंगे पुलिस वाले को कि आपके साथ ये हो रहा है। आपका ये बैग है ना, ये लो, ये वीडियो सारी रिकॉर्डिंग हुई है, बिल्कुल मत डरना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है? आपको आप अपने उसके पूरा नाम वाम मोबाइल नंबर सब जानते हो ना, उसका पति होती का, ठीक है? कहाँ रहता है, सब एड्रेस सब पता है मेरे, ठीक है? सारी एक एक चीज़ें बताना, बिल्कुल मत डरना, ठीक है?